हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्ति सागर। दोस्तों, राजस्थान के मंदिर की पार्ट टू वीडियो अब आ चुकी है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक कर आप देख सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हमारी ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के जोधपुर शहर में बहुत ही आश्चर्यजनक मंदिर बुलेट बाबा मंदिर स्थित है। राजस्थान राजा महाराजाओं का शहर होने के साथ साथ कई चमत्कारों का भी शहर है। राजस्थान की पुरानी कहानियों में इस मंदिर की कहानी का वर्णन किया गया है, परंतु हर कोई इस अंधविश्वास पे विश्वास नहीं रख पाता। जो भी भक्तजन इस मंदिर में रॉयल बुलेट मोटरसाइकिल जो कि 350 cc स्थापित है, इसके दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में फूल, कुमकुम, जल इत्यादि के अलावा शराब भी चढ़ाई जाती है। राजस्थान का बीसलदेव मंदिर अपने स्तंभों की बनावट के कारण बहुत ही आकर्षण मंदिर बन गया है। बीसलदेव मंदिर राजस्थान के पाली जिले में बीसलपुर बांध के पास स्थित बहुत ही प्राचीन मंदिर है। बीसलदेव मंदिर भगवान गोखनेश्वर जोगी शंकर भगवान के रूप के लिए समर्पित है। इस मंदिर में शिव जी की शिवलिंग स्थित है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर राजस्थान के प्रमुख आकर्षण मंदिर में से एक है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर राजस्थान के सवाई माधोपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर रणथंभौर किले में स्थित भगवान गणेश जी को समर्पित बहुत ही शानदार है। इस मंदिर में भगवान गणेश अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस मंदिर में 5 आरती की जाती है, जिससे भक्तजन के मन को बहुत सुकून मिलता है। राजस्थान में प्रमुख मंदिरों में से एक है झालावाड़ जिले में सूर्य नारायण मंदिर। इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार राजपूत वंश के राजा नागभट्ट द्वारा करवाया गया था। सूर्य भगवान को समर्पित सूर्य नारायण मंदिर इतना आकर्षण है कि इसकी वास्तुकला का अन्य कहीं भी कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। प्राचीन सूर्य नारायण मंदिर में भगवान सूर्य को विष्णु भगवान के अवतार के रूप में पूजा जाता है। सालासर बालाजी मंदिर राजस्थान के प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक है, जो कि राजस्थान के चूरू में स्थित है। भगवान हनुमान जी का यह मंदिर अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा के अवसरों के दौरान इस मंदिर में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि मेहंदीपुर गाँव राक्षसों से परेशान था। एक दिन पुजारी जी को एक सपना आया था कि जिसमें भगवान हनुमान ने उन्हें विशेष रूप से चुने हुए क्षेत्र में अरावली पहाड़ियों की खुदाई करने के लिए कहा था। इस खुदाई में प्रताप राजा और श्री राम की मूर्तियां के साथ साथ हनुमान जी की एक बचपन की मूर्ति का पता चला। तब से यह मंदिर इस क्षेत्र की शान बना हुआ है। परशुराम महादेव मंदिर राजस्थान के पाली में स्थित भगवान भोलेनाथ को समर्पित बहुत ही आकर्षण मंदिर है। इस मंदिर में एक गुफा है जिसे अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अमरनाथ की गुफा को भगवान परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी से खोदा था। परशुराम मंदिर गुफा के ऊपर स्थित है और गुफा में जाने के लिए लगभग 500 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। इस मंदिर की एक खास बात यह भी है कि यहाँ 9 कुंड हैं जो कभी नहीं सूखते हैं। रनकपुर जैन मंदिर राजस्थान के उदयपुर शहर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक अद्भुत मंदिर है। यह मंदिर जैन इतिहास के प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ की 6 फीट ऊंची प्रतिमा के लिए लोकप्रिय है। इस मंदिर के चारों ओर सूर्य मंदिर, चौमुखा मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और अंबा माता मंदिर स्थित है। नीलकंठ मंदिर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह राजस्थान की घूमने लायक जगहों में से एक है। नीलकंठ मंदिर का निर्माण महाराजा धीराज मथानादेव ने करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित उत्तर भारतीय शैली में निर्मित बहुत ही आकर्षक मंदिर है। तन्नोट माता मंदिर राजस्थान के प्रमुख दर्शनीय और आकर्षण मंदिर में से एक है, जो कि जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। देवी हिंगलाज के अवतार तन्नोट माता को समर्पित यह मंदिर हिंदुओं की आस्था का प्रतीक बना हुआ है। यह मंदिर बहुत ही शांत और विनम्र प्रवृत्ति का है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित इस मंदिर के पास सन 1965 में कई बमबारी हुई थी, परंतु माता तन्नोट ने इस मंदिर की स्वयं रक्षा की, जिससे यह आज भी सुरक्षित है।
एकलिंजी मंदिर उदयपुर राजस्थान के प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर के आकर्षण का मुख्य कारण इसमें स्थित एक शिवलिंग है जिसे चांदी के सांप से सजाया जाता है। इस विशाल दो मंजिला मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल द्वारा किया गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब भी करें।